बल्लेबाजी कैसे कर पाएंगे, खास तौर से इश्नान एक बढ़िया खिलाड़ी T20 फॉर्मेट के फ्रंट 11 भरदपुरा उनके सामने चुनौती जरूर पेश करेंगे। ये मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला, उन्होंने पर्चे जरूर किया था। अब इश्नान सामना करेंगे फ्री हिट गेंद का और द विकेट, और इसी तरह से खेलते हैं ये इश्नान, और इस बार पॉइंट के ऊपर से ये पहला चौका और सही नसीहत खराब गेंद की। एक बहुत बड़ी चुनौती सामने है जीशान की, एक बार फिर से तोड़ना शुरू किया, बहुत ही बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद यहाँ पे जीशान ने, अच्छी वापसी चौका खाने के बाद। और जी हाँ, इश्नान तक 5 रन लाला अलीवन सोपोर के, इश्नान सामना करेंगे फिर से और इस बार से बाहर लाजवाब गेंद, अच्छी उछाल के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में, बहुत ही बढ़िया गेंद निश्चित रूप से यहाँ पे, भले खराब गेंद उन्होंने जरूर की थी लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी, और ये एक और नो बॉल का इशारा और ये चौका इश्नान के बल्ले से, इस बार घट में इस बार ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, नजाकत वाला स्ट्रोक और ये दूसरी नो बॉल इस ओवर की, बिल्कुल लगातार दूसरी नो बॉल। तो नो बॉल की जो आजकल के क्रिकेट में सजा है निश्चित रूप से उसके अनुकूल वो प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है, जबकि और द विकेट इश्नान के लिए, इस बार गेंद हवा में और खिलाड़ी जो है वो उनके नीचे अगर ले भी लेते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्री हिट ही है, बिल्कुल कराया जा रहा है, बिल्कुल कमेंट्री छोर एंड से और वो गेंदबाजी करेंगे इश्नान के लिए। सामने है एक बढ़िया खिलाड़ी लेग स्टंप के आसपास क्लाइंट के उपयोग से और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, पैरों पे गेंदबाजी करेंगे तो इश्नान नहीं छोड़ेंगे आपको। वाह क्या टाइमिंग है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे क्लाइंट का उपयोग और गेंद को भेजा है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इसका बल्ला हमेशा चलता है और बहुत ही मजबूत तरीके से चलता है। जहांगीर लोन खासे खुश है अपने दोस्त के पारे से अब तक, अगर आप इश्नान की बात करें क्योंकि कहा जाता है कि जहांगीर लोन सबसे ज्यादा नजदीक है, अगर आप उसकी बात करें तो इश्नान की बात करें। अच्छी शुरुआत, एक बड़ी शुरुआत, लगभग 750 व्यूअर्स इस समय इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। एक बार फिर से खराब गेंद और झट में इश्नान के बल्ले से और आउटफील्ड बहुत तेज है और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, एक और चौका इश्नान के बल्ले से यहां निकलता हुआ। आप सभी से अनुरोध है कि शेयर करना ना भूलें, एक के हम अपने स्क्रीन में देखना चाहेंगे इस मुकाबले का, हमारा काम अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलिएगा। अगली बार इश्नान सामना करेंगे, इस बार गति परिवर्तन और क्या टाइमिंग यहाँ और गेंद दर्शक दीर्घाओं में कलाइया दिखे, कितनी मजबूत इश्नान की, बहुत के हिसाब से उनको बनाने होंगे। और अगर आप करंट रन रेट की बात करें वो 20 से अधिक है, जब इश्नान क्रीज के अंदर मौजूद है तो फिर इस तरह का क्रिकेट आप हमेशा मनोरंजन जरूर करेंगे। आए हुए तमाम यहाँ दर्शक वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, अब इश्नान सामना करेंगे जबकि उन्होंने एक बढ़िया पारी अब तक खेली है, इसके बाद 40 एक और कड़क चौके, लेकिन इस बार वहां खिलाड़ी मौजूद है और एक शानदार कैच लिया गया और इसी के साथ इश्नान आउट होकर वापस जा चुके हैं, लेकिन एक बेहतरीन उन्होंने पारी खेली है अपनी टीम के लिए और लाजवाब कैच है राजा मुनीर का। 40 एक और कड़क चौके, लेकिन इस बार वहां खिलाड़ी मौजूद है और एक शानदार कैच लिया गया और इसी के साथ इश्नान आउट होकर वापस जा चुके हैं, लेकिन एक बेहतरीन उन्होंने पारी खेली है अपनी टीम के लिए और लाजवाब कैच है राजा मुनीर का। उतना आसान ये बिल्कुल भी नहीं था ये कैच, राजा मुनीर जो उन्होंने फुल लेंथ ड्राइव लगाई है उसके फलस्वरूप ये कैच उन्होंने लिया है, अब बहुत ही शानदार कैच है और पहली विकेट का पतन इश्नान।